हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी गूगल मीट पर स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि गूगल मीट पे हम अपनी स्क्रीन को किसी दूसरे को कैसे शेयर कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गूगल मीट को यहाँ पे ओपन किया हुआ है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम गूगल मीट में स्क्रीन शेयर कैसे कर सकते हैं, स्क्रीन कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं किसी को भी। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक नया मीटिंग क्रिएट कर लेते हैं और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किसी दूसरे आईडी से इसमें ज्वाइन करके। तो यहाँ पे आप इसे शेयर वगैरह कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे दूसरे फ़ोन से ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये कोड आ जाता है, इस कोड के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। चलिए फटाफट से दूसरे फ़ोन से ज्वाइन कर लेते हैं और आपको करके मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे ही कोई भी ज्वाइन करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे आपको इस तरह से एक पॉपअप आ जाता है अलाउ करने के लिए। तो आपको एडमिन पे क्लिक करना होता है और वो ज्वाइन हो जाता है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अकाउंट यहाँ पे हमारा ज्वाइन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप स्क्रीन शेयर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऊपर में कहीं भी क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजेंट स्क्रीन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्ट प्रेजेंटिंग पे क्लिक करने का ऑप्शन आ रहा है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा अलाउ मी टू रिकॉर्ड और कास्ट योर स्क्रीन। यहाँ पे एक स्टार्ट नाउ का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे बस आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे आपके फ़ोन के जितने भी एक्टिविटी है, जो भी आपका स्क्रीन पे हो रहा है हलचल, वो सारे लोगों को शेयर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा, नहीं तो अभी मेरा दूसरा रिकॉर्डिंग चल रहा है और ये भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा तो मेरा ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक लिखा हुआ आ जाएगा, योर स्क्रीन इज प्रेजेंटिंग लिखा हुआ आ जाएगा और नीचे एक स्टॉप का बटन आ जाएगा। तो स्टॉप पे आप क्लिक करेंगे तो स्टॉप भी हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको करके नहीं बता सकता क्योंकि ये रिकॉर्डिंग पहले से ही हो रहा है और जब भी मैं ये स्टार्ट करूँगा तो ये रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा। लेकिन जैसे ही आप प्रेजेंटिंग पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, आपका जो स्क्रीन है, जो भी, जैसे कि आप यहाँ से इसे कट भी कर देते हैं, तो ये सारे चीज़ें शेयर होने लगेगा आपका। जो भी आप स्क्रीन पे करेंगे, जो भी ऐप ओपन करेंगे या फिर जो भी आप लिखेंगे, वो सभी के सभी शेयर होना शुरू हो जाएगा। और जब आपको बंद करना होगा तो यहाँ पे आपको लिख के आएगा स्टॉप प्रेजेंटिंग स्क्रीन, यहाँ पे नीचे स्टॉप का बटन आएगा, तो स्टॉप पे आपको क्लिक कर देना है और स्टॉप हो जाएगा। तो यही तरीका होता है और इसी तरीके से आप गूगल मीट में स्क्रीन शेयर कर सकते हैं।